रिज्यूम में टोनर का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। ये टोनर क्यों यूज करते हैं? जब हमारे स्किन के पोर्स ओपन होते हैं उसे मिनिमाइज करने के लिए टोनर का इस्तेमाल होता है। मॉइस्चराइजर लगाने से पहले टोनर इस्तेमाल करें एंड मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी टोनर को इस्तेमाल करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू एल्फिट ब्यूटी। आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये हमारा स्किन केयर सीरीज चल रहा है एंड आई होप कि आप लोग स्किन केयर सीरीज को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। काफी प्यारा प्यारा सा कमेंट्स आ रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों को स्किन केयर रिजीम जो है वो पसंद आ रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से ही हमारे पूरे एल्फिट फैमिली को प्यार देते रहे। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड जो बेल आइकन है उसे प्रेस भी कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सो ये स्किन केयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का कॉन्सेप्ट है, ये है डे 5। एंड डे 5 में हम बनाने वाले हैं एक मिस्ट या टोनर एंड ये होने वाला है कंप्लीटली यूनिक एंड आयुर्वेदिक। इट्स ए गोल्ड टोनर। यस, आपको पता है सोना चांदी जो ब्रोंज ये सारी चीज हमारे स्किन केयर रिजीम में यूज होता है। आपने ऐसे सुना तो होगा जो प्राइमर है 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर, 24 कैरेट गोल्ड फेसियल, ये चीजें क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, ये हमारे स्किन टोन एनहांस करने के लिए मदद करता है। एंड साथ ही साथ अगर हम सोना चांदी का भस्मी इंटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी आता है। राजा महाराजा पुराने जमाने में सोने के थाली में खाते थे, चांदी के स्पून से खाते थे, लेकिन अब हम इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि सोने के थाली में खाए, लेकिन अपनी स्किन केयर के लिए कम खर्चे में अगर एक गोल्ड टोनर बनाए तो कैसा रहेगा? आप कहोगे कि क्या हो गया है दीदी, पागल हो गई है क्या? गोल्ड इतना प्राइसी और उसे इस्तेमाल करने वाली है? जी हाँ, लेकिन यहाँ पे ना आपकी एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है। एक रुपया खर्च होगा, एक रुपया बस। वो कैसे मैं आपको बताऊंगी, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड मैं ये दावे के साथ बता सकती हूँ कि ये यूट्यूब पे पहली बार है। यस, तो चलिए शुरू करते हैं टोनर बनाना। तो टोनर बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक ग्लास फिल्टर वाटर। यहाँ पे डिस्टिल वाटर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इसको एक पैन ले लीजिए एंड गैस ऑन कर दीजिए, पैन को गर्म कर दीजिए एंड उसमें पानी डाल दीजिए। पानी जब गर्म हो जाए इसमें आपको एक सोने का अंगूठी, चेन, कुछ भी लेना है, जो भी आपके पास सोने का प्योर गोल्ड जिसमें कोई स्टोन एंड ऑल ना हो तो उसको लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे चेन ले रखा है, इस तरीके से आप कोई एक गोल्ड लेना जिसमें कोई स्टोन मीनाकारी ऐसा काम नहीं हुआ हो, ठीक है? बहुत इजीली सबके पास होता है। तो इसको यहाँ पे पानी में हम डाल देंगे एंड इसको हम अच्छी तरीके से बॉयल होने देंगे धीमी आंच पे। इसका जो पानी जब हाफ कप हो जाए ना तब तक हमें इसे बॉयल करना है। एंड एक चीज और है कि आप घबराइएगा मत कि आपके सोना पिघल जाएगा या फिर सोना मिल जाएगा पानी में। जी नहीं, ये सिर्फ अपना गुडनेस छोड़ेगा पानी में। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि गोल्ड इतना जल्दी मेल्ट नहीं होता है। गोल्ड को मेल्ट होने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है एंड इतनी सी टेम्परेचर में गोल्ड को रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपका सोना घिसेगा ना आपका सोने का वजन कम होगा। जी हाँ, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी विद प्रूफ कि कुछ नहीं हुआ सोने के साथ। तो इसको धीमी आंच में इस तरीके से बॉयल होने दीजिए। धीरे 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 क्या होगा, जो गोल्ड में घुटनेस है ये हमारे पानी में रिस जाएगा एंड यही पानी है जो मिरेकल की तरह हमारा चेहरे को साफ करेगा, स्किन टोन को एनहांस करेगा एंड साथ ही साथ आपके जो पोर्स है उसे ब्लर करेगा। ओपन पोर की समस्या सबको होती है, अगर आपके ग्लैंड्स जो है, टिश्यू है, वो ओपन हो गए हैं एंड आपके पिंपल मार्क वगैरह, दाग धब्बे बहुत सारे हैं, अच्छा नहीं लगता, मेकअप करने से आपका बेस ही क्लीन नहीं होता, तो एक बार ये टोनर को इस्तेमाल करके जरूर देखना एंड आपको फर्क 7 डेज में पता चल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपको स्किन केयर रिजीम के मैंने सारी चीजें बताया है उसे कंबाइनली फॉलो करना है। गाइस यू नो व्हाट, ये जो पूरे स्किन केयर प्रोसेस है ना ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। आफ्टर रिसर्चिंग अलर्ट, मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया है, खजानों में से ढूंढ के निकाला है। अगर मैं आयुर्वेदा बोलूंगी तो बहुत सारे लोग पजल हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको इस चीज को सिंपली बता रही हूँ ताकि आप लोग चीजों को समझें एंड जो चीजें घर पे अवेलेबल है उसकी बेनिफिट ले सके। अभी पानी बॉयल हो गया है एंड ठंडा हो गया है, इसे आधे घंटे तक ढक के रख देना ताकि इस पे कुछ धूल मिट्टी ना जाए। जब कम्प्लीटली कूल हो जाएगा तो आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, इस स्प्रे बॉटल में आपको इसको रख देना है। एंड इसमें जो 1 रुपए की बात हुई थी ना कि 1 रुपया खर्चा होगा, अब तक तो आपका कहीं भी 1 रुपया नहीं लगा,
तो 1 रुपये में क्या होगा, एक विटामिन ई के कैप्सूल आता है। जी हाँ, तो इसको इस तरीके से कट कर दीजिए एंड इसमें एड ऑन कर दीजिए। एंड अब क्या, अब ये टोनर इस तरीके से रेडी हो गया हमारा। इसे टोनर कह लीजिए, मिस्ट कह लीजिए। ये जो गोल्ड वाटर है मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखा है, लुक कर दिस, दिस इज यू नो प्रीसियस। एंड मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई फैंसी टोनर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, इसको इस्तेमाल कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपके स्किन में पोर्स जो है ब्लर हुआ है कि नहीं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, आपको इस तरीके से इसे स्प्रे करना है। एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज अमेजिंग ग्लो दिख रहा होगा आपको। मेकअप भी किया है इसके ऊपर भी, अब मैं आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ लाइव। इट ऑल्सो वर्क लाइक ए मेकअप फिक्सर एंड ए फेसियल मिस्ट। जैसे गर्मी वगैरह होता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है ना, पूरा ड्राई हो जाता है, तो बैग में रखिए, कहीं पे भी जाइए, मेकअप किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो ब्रांडेड सो कॉल्ड फिक्सर हो गया एंड जो मेकअप का टोनर हो गया एंड उसके साथ साथ जो मिस्ट हो गया, इन सबको बीट करता है। एंड इसमें है प्योर 22 कैरेट गोल्ड का एक्सट्रैक्ट, जो आपके स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करेगा ही करेगा, ये मेरी गारंटी है। एंड इसको 1 रुपये में घर में बन रहा है सोने का पानी, तो बताओ और क्या चाहिए। एंड हमारे स्किन के लिए जो इतना अच्छा है, जो ओपन पोर भी ठीक करता है। तो ये जो टोनर है, इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? वंस अगेन, कोई भी एज ग्रुप के लोग इस टोनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्नी प्रोन स्किन है, डेड सेल्स है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, आप सारे स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। एंड एक मैं आपको टिप देना चाहूंगी, आयुर्वेदा में डिफरेंट स्किन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को यूज करने के बारे में बताया गया है। मेरा ड्राई स्किन है इसीलिए मैंने गोल्ड का इस्तेमाल किया, अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप लोगे इसी तरीके से एक सिल्वर का चेन या रिंग, अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो आप ले सकते हो एक कॉपर, कॉपर का कोई भी जैसे जग हो गया, मग हो गया, कुछ भी ले लीजिए, उसके एक्सट्रैक्ट ले लीजिए। देखो गोल्ड तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप अपर लेवल पे जाके अपनी स्किन टाइप के लिए कोई एक टोनर बनाना चाहते हैं तो ये बस एक सजेशन है, लेकिन ऑल स्किन टाइप के लिए गोल्ड काम करता है। ये मैंने टेस्ट एंड ट्राई कर लिया बहुत सारे लोगों पे, एंड ये मैं बहुत पहले से यूज कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि रैंडम आज ही मैंने इस्तेमाल कर दिया और आज ही आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैं मेकअप फिक्सर के तरह भी यूज करती हूँ। सो गाइस, ये टोनर के बारे में बात करते हैं, कितने दिन हम इस टोनर को रख सकते हैं। इसको आप 10 डेज तक रख सकते हैं एंड 10 डेज में ये टोनर खत्म हो जाना चाहिए, दोबारा से फ्रेश बना लीजिए, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको और जो भी सारे मैंने प्रोडक्ट बताए हैं, जो भी होम रेमेडी बताया है, उसे फॉलो कर रहे हो ना, कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज का टोनर आपको कैसा लगा ये भी बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक आयुर्वेदिक फेस पैक। जितने अमेजिंग हमारे पिछले सारी चीजें हैं, उतनी ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।